नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। इंदौर शहर में लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से यूपी से दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल टोकोगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली यूपी में तो वंश थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसने सोशल मीडिया के shaadi.com पर शादी के लिए अपनी जानकारी डाली थी। उसके बाद रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले युवक नितेश अग्रवाल ने महिला से शादी के लिए संपर्क किया। फोन पर ही इनकी पहचान बड़ी और बातचीत बड़ी। युवक लड़की से मिलने इंदौर पहुंच गया। वहीं महिला के साथ दो दिन मिलने के बाद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ होटल में दुष्कर्म भी कर दिया। उसके बाद युवक वहां से फरार हो गया। इस दौरान युवक ने कुछ ज्योति के अश्लील फोटो भी ले लिया और ब्लैकमेलिंग की बात भी करने लगा, जिससे परेशान होकर युवती ने पुलिस की शरण ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला है जिसने शादी के लिए shaadi.com पे अपनी प्रोफाइल बनाई थी। उस जरिए उसकी एक लड़का छत्तीसगढ़ दूर का होना जो बताता है, उसने उसको प्रोफाइल को पसंद करा, नितेश अग्रवाल, और फिर इनकी बातचीत हुई। लेकिन लड़की के जो माता पिता ने, उन्होंने कहा कि इतनी दूर हम शादी नहीं करेंगे, तो मना हो गया था। फिर नितेश इंदौर आया होगा तो इस लड़की को बुलाया कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो आप मिलने आ जाओ। तो ये मिलने गई और दूसरे दिन फिर बुलाया। फिर इसको बातों में उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाया। लड़की ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक उसने नहीं पिया है, खाने को बोल रहा था तो मना कर दिया और मुझे ही पिलाया। फिर मुझे नशा जैसा आने लग गया। फिर उसके बाद में उसके साथ गलत काम किया और अश्लील फ़ोटो बना लिए, और उसके बाद तो वो वहाँ से चले गया। उसके बाद में फिर उससे बोला है, ब्लैकमेल करने लगा। इसमें कुछ वीडियो भी बनाए थे और वीडियो बनाने के बाद पैसे की भी मांग की गई थी क्या इस मामले? नहीं, पैसे की मांग नहीं की गई है। उसको बुलाया जा रहा है था कि आपको आना ही पड़ेगा। आरोपी कहाँ का रहने वाला है और क्या बैकग्राउंड है लड़के? आरोपी अभी जब उसका पता जहाँ तक है वो दुर्ग रायपुर का बताया जा रहा है, FIR में भी है वही है। मैडम, ये इसको नशा कराकर कहाँ, किसी होटल में ले गया था या कहाँ ले गया था? एक होटल में बुलाया था जो साउथ टोकोगंज की ओवा OYO होटल। इसके भाई ने जब इसको बोला है कि नहीं, मेरी बहन नहीं आएगी और हमारा जब कुछ नहीं है, तो इसने इसकी बहन का जो फोटो था बिना कपड़ों का, वो इसके भाई के ऊपर भी सेंड किया है, जो अभी उन्होंने जब्त नहीं करवाया है। भाई ने बोला है कि हम बाद में देंगे। इसमें क्या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस प्रकार में भी फोटो वायरल हुई थी क्या? नहीं, अभी फोटो वायरल करने की बात उन्होंने कहा है, दबाव डाला है, लेकिन इनकी जो बातचीत हुई थी shaadi.com, फिर इंस्टाग्राम और फिर व्हाट्सएप मैसेज और फोन पर भी दबाव डाला है। तो मैडम, इसमें दुष्कर्म के साथ साथ साइबर क्राइम का भी मामला दर्ज होगा? हाँ, वो IT एक्ट बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें जब जब्त हो जाएगी, नहीं ये अगर वो फोटो ला के दे देते हैं तो IT एक्ट बढ़ जाएगा, और है तो आज मिल जाएंगे, आज हो जाएगा। आपका? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर मीना बोरासी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट TV ऐप।